आज हमारे साथ हैं एक पहल के संस्थापक अमित जी। अमित जी, आप हमें बताएं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई, जो कि मुख्यमंत्री जी ने इसका स्टार्ट किया, फिर वहां से आप लोगों को हटा दिया गया, फिर आप लोगों के आमरण अनशन किया, आमरण अनशन के बाद आप लोगों को ये जगह दी गई जो भी सही नहीं थी, गवर्नमेंट ने सही नहीं की, बच्चे लगे रहे, इतने मेहनत की उन्होंने, पूरा सफाई की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये तो नवनिर्माण जब कोई भी चीज़ की जाती है दिक्कतें आती हैं, और राजस्थान विश्वविद्यालय में जो लोग जिन्होंने ये राजनीति की, और उन लोगों ने सोचा होगा कि शायद वो गरीब के सपनों को तोड़ देंगे, चकनाचूर कर देंगे, लेकिन अब शायद वो आपके इस चैनल के माध्यम से देखेंगे तो उनसे कई गुना ज़मीन, कई गुना व्यवस्थाएँ यहाँ हमें मिल गई हैं। चाहे कहने को जंगल था, लेकिन हमारे सपनों का घर है जिसे हम बसा रहे हैं सब बच्चे मिल करके। वहाँ 3-4 हज़ार बच्चे जब आ रहे थे ना, तो सर कई बार वो सोच रहे थे ऐसा कि भाई ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, क्योंकि उन लोगों के पास जड़े खूब थी पर दिल बहुत छोटा था। 3-3 लाख सैलरी उठा करके भी लोगों का पेट नहीं भर रहा ऐसा। और यहाँ सरकार में भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री को छोड़ दें तो कई मिनिस्टरों ने शायद घोटाले कर दिए, जिस वजह से हमें मतलब बार बार भटकना पड़ा, हमारे बच्चों को भूखा मरना पड़ा। मुख्यमंत्री भले ही सरकार में संवेदनशील हैं, पर बच्चों ने मतलब प्रदेश के हर मिनिस्टर को ये सूचना दी थी कि भाई हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, कुछ जगह पैसे बर्बाद होते हैं। एक पहले भी आपने ऐसी योजना शुरू की है तो आप उसे कम से कम चालू रखिए ना भाई। लेकिन सीएम साहब के उद्घाटन करने के बाद इतनी सारी आप लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ी, उसके बारे में सीएम साहब तो खुद ही 5 साल समस्याओं में घिरे हुए हैं, आपको पता ही है। सीएम साहब को हम क्या दोस्त हैं यार, इसलिए जब से सरकार बनी है तब से सीएम साहब की कुर्सी पर आपको पता ये दिक्कतें रही हैं, तो हम सीएम साहब को दोषी नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने योजना को शुरू किया और इस विश्वास पर शुरू किया कि मेरे जैसे युवा जो इस प्रदेश में नया कुछ करना चाहते हैं बेहतर करेंगे। तो जब तक कोई चैलेंज नहीं आए तब तक उस खेल में मजा भी क्या है। लेकिन मैं कहूँगा कि सीएम साहब को ऐसे मंत्रियों पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए जो आस्तीन के सांप हैं और जो इस जनता के बारे में मतलब अच्छा नहीं सोचते हैं। क्या ये मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो तो बच्चे जो जनता है वो अपने आप बोल देगी भाई कौन कौन थे, पर फिर भी सरकार चाहे वो दबाव में आके निर्णय लिया लास्ट में, लेकिन अच्छी जगह हमें मिली। जंगल था लेकिन इसको कैसे हम सब लोग मिलके मंगल बना रहे हैं, आप देखेंगे जहाँ 3-4 हज़ार बच्चे पढ़ रहे थे अभी 20 हज़ार बच्चे पहली बार में क्लास लेंगे, 5 हॉल बना रहे हैं। कब से स्टार्ट होगी 20 हज़ार बच्चे जिस हिसाब से देख रहे हैं आज भी अभी तक ये पूरा कुछ नहीं है यहाँ पे, और आप लोग कह रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पे 20 हज़ार बच्चे पढ़ने वाले हैं? ये तो क्या है, जिस दिन हम आए थे यहाँ आप उस दिन आ जाते कैमरा लेकर के तो आप अंदर ही प्रवेश नहीं करते। इस हालात में ये जगह थी जहाँ मतलब आप समझते कि कोई कीड़ा हो, सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो सकता है, इतना भयानक जंगल था। लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ बाग लग रहे हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, और इन बच्चों की सोच को आप दाद देंगे कि इतनी दूरगामी सोच है और कितनी अच्छी विचारधारा के साथ बढ़ रहे हैं। जैसे आज एक बच्चे ने चीकू का पेड़ लगाया, जामुन का लगाया, आज तो जामुन नहीं लग रहे होंगे उस पेड़ में, सोच रहा है कि आने वाले टाइम पर लोग आएंगे या पढ़ेंगे तो वो खाएंगे, मेरा नाम होगा जामुन खाएंगे ना, इस विचारधारा से बच्चे काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 7 दिन का समय है, लगभग 1 सितंबर से हम कक्षाएँ शुरू करेंगे, तो पीछे जो जगह मैंने आपको दिखाई थी वहाँ हॉल बनाना स्टार्ट करवा रहे हैं, और 1 सितंबर से मेरा वादा है कि कक्षाएँ लग जाएंगी और लगभग हम 20 हज़ार बच्चों के एक बार में बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, लगभग ऐसा हमारा है, और उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि पहले मैं अकेला कर रहा था, अब लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोगों को विश्वास भी हो गया एक पर इंडिया पर, और एक पर इंडिया ज़्यादा विश्वास बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, बच्चों ने जो अनशन किया ना उस पर हो गया, और उसमें भी आप देखेंगे कि कितने बच्चों ने आमरण अनशन किया। सर मैं क्या बात, चला आमरण अनशन पहले दिन मैं मतलब अकेले ने जब विचार किया तब 1 से फिर 2 हुए थे, तो पहले दिन ही हम 30 बच्चे लगभग वहाँ गार्डन में बातचीत करके बैठे थे। कौन से गार्डन में किया? हम लोग प्लानिंग कर रहे थे जैसे पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे ना क्रांतिकारी छिप करके, तो हम लोगों को क्या किया इन्होंने कि सिविल लाइन में आप प्रवेश नहीं करोगे, 100 वो बोले कि भाई यहाँ पे 44 धारा लगा दी गई, और टी शर्ट पहन के कोई बच्चा आ गया एक बार इंडिया का तो इधर सीएमआर की तरफ कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई आदेश उन्होंने बताया हमें। फिर हमने दुबक करके जगह ढूंढ ली, वहाँ सेंट्रल पार्क में अंदर चुपचाप बैठते थे, मीटिंग करते थे हम लोग, फिर प्लानिंग करके हमने कहा कि अनशन करेंगे। हमने हमारे सर से पूछा कि भाई ऐसा करें, तो सर ने कहा भाई ठीक है, अब लास्ट विकल्प खड़ी, तो लगभग 100 करीब बच्चे अनशन पे बैठ चुके थे एक साथ, और फिर लगभग 11 बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, और फिर भी सरकार में कई निर्दयी मंत्री थे, लेकिन कुछ लोग मतलब अच्छे भी मिले जिन्होंने प्रसिद्ध किया। जी ने भी आपको उसका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, सीएम साहब से मिलवाऊंगा जो भी समस्या है सर, वो तो आदमी कहलाने के नाम पर ही धब्बा है डोडासरा जी, उस नाम को लेंगे आपको खून खोलेगा, क्योंकि उन्होंने जिस समय बिरला ऑडिटोरियम में जब बात कही थी कि भाई देव अमित मेरा भाई है, हम साथ देंगे, सरकार इसको यहाँ ले जाएगी, वो करेगी, मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, फालतू की बात है उनकी बातों में, तो मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को डोडासरा की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं है। बच्चे और मैं भी उनके घर गया था तो उन्होंने भी मना कर दिया, मतलब पीछे धक्के मार के भगवा दिया डोटासरा जी ने। तो वो हो सकता है हमें मरवा दें, गिरवा दें, एक्सीडेंट करवा दें, कुछ भी करवा दें, वो उनका काम है। पर लेकिन मैं नहीं चाहूँगा डोटासरा जी से कभी हमारी दोबारा मुलाकात नहीं हो। सरकार रहे नहीं रहे, सीएम साहब बेस्ट, मतलब बेस्ट। बच्चों ने अमृत अनशन किया है, सचिन जिन बच्चों ने सब लोगों ने अनशन किया, बस ये हमारा सबसे तबियत खराब हुई इसकी। तो बताइए अब तक किसी मंत्री ने ये नहीं पूछा सरकार में से कि भाई ये बच्चा बचा कि नहीं बचा। क्या रहा आपने जब अमृत अनशन किया उस टाइम का क्या सीन था आपने, कैसे आप लोगों ने सोचा कि अमृत अनशन करना चाहिए? हमें मतलब हमारी क्लासें बंद होने के बाद जब चार रोज हमारे रास्ते बंद हो गए तो सर बोल रहे थे कि बता अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। तो हमें भी लगा था कि अगर ये बंद हो गई तो मरना तो वैसे भी था हमारा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं। अब कोचिंग बंद होने के बाद भाई बेलदारी करनी थी अपन को, तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारा तो जीवन बर्बाद होगा ही, तो आने वाली पीढ़ी को क्यों ना हम कुछ ऐसा दे के जाएँ जिससे कुछ बेहतर हो। तो हमने ये सर के साथ मिल के ये प्लान बनाया कि हम अमरण अनशन करेंगे चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम इसको स्थायी करेंगे। ये चीज़ आप देखा, इन बच्चों ने अमरण अनशन किया है देव अमित जी के साथ मिलकर, और आप हमारे पीछे देख रहे हैं, मैं इन बच्चों को कहूँगा एक बार थोड़ा जगह दें, आप ये जगह देख रहे हैं। आज से लगभग 6-7 दिन पहले ये जगह ऐसी थी कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन किसी मतलब किसी काम वालों को नहीं बुलाया, इन बच्चों ने ही मिलकर यहाँ पे उसको पूरा साफ़ किया इस जगह को। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हो सकती है, लोग आ जा सकते हैं। और जिस हिसाब से देव अमित जी बता रहे हैं कि एक सितंबर से 20,000 बच्चे यहाँ पे, तो 7 दिन में आप इतनी बड़ी तैयारी कैसे करेंगे? जैसे हमें पूरा खुला ग्राउंड नज़र आ रहा है, कुछ नहीं, और आने वाले 7 दिन में आप कह रहे हैं कि सवाल आपका जो है वो लगभग देश को आज़ादी मिली अब 75 साल से ऊपर हो गए, सरकार में कहीं भी फ्री एजुकेशन की बात नहीं थी। 5 साल में मैंने ये फ्री कोचिंग सेंटर डेवलप कर दिया, 5 साल में 75 साल में नहीं हुई, तो 7 दिन तो अभी बहुत बड़े टाइम है। यहाँ पे कितना बड़ा डोम लग जाएगा, आराम से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, कैसे बनेगी। अब 7 दिन बाद दोबारा कैमरा लेके आएंगे तब देखेंगे यहाँ सब कुछ बदल गया एकदम से है, कहाँ कैंटीन लग रही है, कहाँ बच्चे बैठ के अपना चाय पी रहे हैं, कहाँ बैठ के लाइब्रेरी बन गई, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, संभव हैं, पर करने के लिए दिल में आग चाहिए सर। तो इस वजह से जो आग लगी हुई है उसके शोले भड़क रहे हैं, वो सब इन बच्चों के दिल में। आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मतलब इतना बड़ा मतलब बच्चों के ये आया नहीं सर, ये देखा है केवल क्योंकि मजबूरी जिस हिसाब से आप सोच रहे थे कि ऑनलाइन क्लास, अब ऑफलाइन में भी आप ऑनलाइन से बड़ा काम करने जा रहे हैं जिस हिसाब से करें 20,000 बच्चे ऑनलाइन के लिए। मैं कल भी पीछे नहीं था, आज भी पीछे नहीं हूँ। ऑनलाइन में 22,000 सेंटरों पर हम कक्षाएं चलाएंगे। बस सरकार को मैंने सीएम साहब उससे भी कहा था कि भाई आपके अधिकारियों ने बहुत हमें सपोर्ट किया है, नीचे कर्मचारियों को सही से दिशा निर्देश मिले तो ही बच्चे पढ़ पाएंगे। प्रिंसिपल्स को आदेश गए हुए 6-6 महीने हो गए, कोई प्रिंसिपल ने बताया नहीं है ऐसी योजना भी आ रही है। अब क्यों नहीं बताया है? सीएम साहब का हम नाम कर रहे हैं, सरकार का नाम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए, जनता के लिए, लेकिन अभी तक एक भी ऑनलाइन सेंटर चालू नहीं कर पाए क्योंकि नीचे कर्मचारी जो सरकार में ठीक से काम नहीं कर। तो हम चाह रहे हैं कि पहले ऑफलाइन सेंटर को अच्छे से डेवलप कर लें। तो 1 सितंबर से इंटरनेट यहाँ है, कनेक्शन मिल गया है, तो 1 सितंबर से हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर चुके होंगे। और आपका सवाल है कि भाई क्यों कर रहे थे आप, मीडिया में तो आपको पता ही है कि रोज़ाना कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, और आप मुझसे बेहतर इस बात का सवाल का जवाब रोड पर चलने वाले चाय की थड़ी वाले, रिक्शे वाले, मजदूर लोगों से पूछिए किस हालातों में वो जी रहे हैं। सपना तो उनका भी है कि उनके बेटे बेटियाँ भी बड़े पदों पर पहुँचें, अच्छी योजनाएँ बनाएँ। अब इनमें से कोई भी बच्चे जो पीछे खड़े हुए हैं, इनमें से किसी के पिताजी डॉक्टर नहीं है, किसी के पिताजी कलेक्टर नहीं है, सब आम परिवारों से बच्चे आते हैं, तो इनको जब एक अच्छा आसियाना मिला तो सब ने सोचा कि यार क्यों ना हम सब मिलकर ही बना लें। तो आज की ज़रूरत है ये, नहीं कोचिंग सेंटर्स मतलब एक हत्यारे का काम कर रहे हैं जहाँ बच्चे लगातार मर रहे हैं, भर्तियाँ तो उतनी आती हैं। एक पहल संस्था निःशुल्क IAS RAS CET की तैयारी कराने जा रहे हैं 1 सितंबर से, जिसकी जो भी फीस होती है करीब 1-2 लाख की जो फीस होती है वो तक नहीं लगेगी बच्चों को, सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। धन्यवाद।